इंदौर के लालबाग पैलेस में स्वदेशी संस्कृति मंच द्वारा भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ों से लेकर बच्चों तक मनोरंजन व 56 दुकान की तरह नाश्ते के स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं मेले में सुंदर सा सेल्फी जोन तथा सांस्कृतिक नृत्य के लिए मंच भी बनाया गया, जिसमें बच्चे और बड़े अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर सकते हैं। विगत 20 फरवरी से लालबाग पैलेस पर स्वदेशी संस्कृति मंच द्वारा 20 वर्षों से बड़ों से लेकर बच्चों तक के लिए मनोरंजन के साथ ही 56 दुकान की तर्ज पर नाश्ते के स्टॉल लगाए गए हैं। बच्चों के झूले, चक्री एवं मनोरंजन के लिए अनेक प्रकार के खिलौने के साथ ही 110 स्टॉलों पर स्वादिष्ट व्यंजनों का समावेश किया गया है। आज की परिस्थिति को देखते हुए मेले में सुंदर सा सेल्फी जोन तथा सांस्कृतिक नृत्य के लिए मंच भी बनाया गया है, जिसमें बच्चे और बड़े अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर सके। मंच की ओर से 100 कर्मचारी आयोजन को सफल बनाने तथा इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए साफ सफाई को लेकर मंच द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये लालबाग पैलेस परिसर में पहली बार इंदौर महोत्सव का 40 दिनों के लिए आयोजन किया गया है, जिसमें आप पाएंगे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सारंगपुर का फर्नीचर है, भदोही की कारपेट है, और भी देवास वुडन टॉयज हैं, आसाम का ड्राई फ्लावर है, और भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको ई सवारी के आप बहुत सारे प्रोडक्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे होंडा की बाइक है और चूरन वगैरह वगैरह जितनी भी स्टॉल्स होती हैं। कमर्शियल करीब 100 से 150 स्टॉल हैं इसमें, वो लगाई गई हैं, और मल्टीपल जितने भी झूले होते हैं, जैसे रेंजर है, क्रूजल है, टावर है, जॉइंट व्हील है, कोलंबस है, सारे झूले लगाए हुए हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ।